तो कोमल बहन की हम सोच रहे हैं टिक्की की दुकान खुलवा दें। ये देखो इतनी सारी भर ली है एक ही प्लेट में। ये क्या बात है, पूरा एक्सपीरियंस वाली डाल दिया चटनी भी। स्माइल कर, स्माइल। ये देख बेवकूफी देख। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और दोस्तों आप सभी को नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों आज अपने पास ना ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है, छोटे मोटे काम है, जैसे कि अभी कोमल को लेकर के जाना संगम विहार में। संगम विहार आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ के लोग भी तो अच्छे हैं, लेकिन जो वहाँ के रास्ते हैं भाई साहब क्या बताएं, बस बाइक कैसी तैसी हो जाती है वहाँ पे जाते जाते। बट स्टिल उसे कुछ काम है तो उसे वहाँ लेकर जाना है, और उसके बाद चलेंगे शायद आज मामा जी के यहाँ पे, क्योंकि कल का नानी जी का ऑपरेशन है। लास्ट टाइम 21 का था लेकिन डॉक्टर्स ने डेट आगे कर दी थी, कुछ रीज़न है उसका भी। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर ब्रेकफास्ट के लिए, अभी देख रहे हो नहा के निकला हूँ और ये बाल भी ख़राब हुए पड़े हैं अभी देखो। तो पहले बाल बनाते हैं फिर ऊपर देखते हैं नाश्ते मम्मी ने क्या बनाया है। नवरात्रे हैं आज तो वेजिटेरियन ही होगा भाई, ठीक है। तो चलते हैं ऊपर, लेट्स गो। तो भाई बाल सेट हो गए और मम्मी आओ, आप भी आओ, आपको मिलवाता हूँ। अरे ऐसे आओ इधर आओ। कोई बात नहीं, मैं कौन सा नहाया हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं नहाया हुआ हूँ। तो मम्मी क्या बनाया नाश्ते में आज? आज तो नवरात्रि लगे हुए हैं। तो मक्खन ब्रेड लगाया। तो ब्रेड एंड बटर है। कोमल का दाना कैंसिल हो गया क्योंकि मैं देर से सो के उठा था। ठीक है, मैं देर से सो के उठा था, वैसे तो जल्दी उठ गया। ठीक है, दोबारा सो गया था। हाँ ये बात अलग है। तो भाई ब्रेकफास्ट करते हैं और अपना एक छोटा सा काम है आज गौरव भैया से मिलना है, तो गौरव भैया के पास चलते हैं। उसके बाद शाम को निकलेंगे मामा जी के लिए, मामा जी के लिए मतलब मामा जी के यहाँ पे। तो देखते हैं क्या शेड्यूल बनता है, कैसे दिन बीतता है आज का। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो भाई मैं ना कोमल को छोड़ने आया था मदनगिर में बाहर, और बारिश के लंच पहने हुए हैं भाई, धूप बहुत तेज हो रही है बारिश लिए। और अभी मैं लंच करने आया था, लंच में दिखा दूँ आपको मैंने क्या लिया है। तो नवरात्र चल रहे हैं तो लंच है मेरा राजमा राइस, बहुत लोगों का फेवरेट होगा, और साथ में एक रायता। तो यार अब इस लंच को एंजॉय करते हैं और उसके बाद चलते हैं सीधा घर पे। घर चल के फिर शाम को निकल रहा हुआ बाबा जी के यहाँ के लिए। फिलहाल घर चलते हैं, देखते हैं घर में क्या हालात है। ठीक है, तो लंच खाने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से। घर आ चुका हूँ और बड़ी भयंकर धूप हो रही है आज कसम से। एक हफ्ते बारिश पड़ी थी ना, मौसम बहुत ठंडा था और बाहर घूमने में भी मज़ा आ रहा था। पता नहीं है क्या किस्मत है यार, जब भी मतलब काम से बाहर निकलता हूँ ना, जिस दिन काम से बाहर जाना होता है, जैसे आज मामा जी के यहाँ जाना है, तो धूप निकल जाती है। और ऐसे मैं घूमता रहता हूँ तो कोई धूप नहीं निकलती, तब मौसम ठंडा रहता है। तो अभी घर आ गया हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे मामा जी के घर के लिए। आज विशाल भाई भी अपना थोड़ा सा बिजी है, उसका प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो यार मेरा एक छोटा सा दोस्त आने वाला है, जानते हो आप लोग, पहले भी मिलवाया मैंने, तो अभी वो आता फिर मैं मिलवाता हूँ आपको उससे। ठीक है, फ्लाइंग किच कर दो भाई, तुमने मेरे को पहले देखो पुच्छू करिए, कर देता है या पिटाई करता है। पुच्छू कर दो, कैसे करते हो? हाथी दिखा दो, अपना हाथी का है, हाथी दिखा दो। 40 सेकंड ही चलते हैं। अबे आराम से। और बॉल का है आपकी? बॉल कहाँ गई? बॉल दिखा दो, बॉल दिखा दो, कहाँ है आपकी बॉल? ये लो, ये लो, बॉल तू ही भैया खाना खा रहा है भैया। हाँ खाना, तू खाएगा? तू खाएगा नहीं? क्यों बोलो, मैं खा के आया हूँ पप्पा। खाली हाय कैसे करते हो? हेलो मांजा, मान गया ये कह रहा है मांजा। ये क्या है? ये क्या है? ये चूहा। और ये क्या? ये बेबी है। बेबी? हाँ। किसकी बेबी? बोला बोला। अच्छा ले ले ले। तैयार किए जाते हैं।
हेलो कर दो। हेलो हेलो नसीम मामा अब्दुल्ला औसत में मार हां बाय गिर जा थोड़ी मुया गिर जा पूरा गिर जा तो दोस्तों शाम हो गई थी और मुझे आ गई थी थोड़ी सी नींद। मामा जी के यहाँ पे जाना हो गया कैंसिल अपना, कल सुबह जाना पड़ेगा क्योंकि दोपहर 1 बजे का ऑपरेशन है वेडनेसडे को, तो मैं निकलूँगा यहाँ से कल सुबह। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था और ना जाने का रीज़न ये है बाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी। और अब हो गई शाम, चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या हाल है, क्या बन रहा है आज ऊपर अपने लिए डिनर में। और चल के थोड़ा सा तंग करता हूँ ऊपर सबको। चल यार पनीर लेके आ रहा है भाई, बच गया अभी कुछ और सुनता हूँ। तो पलंग क्यों बंद कर दिया? खोलो, जब से पकड़ के खड़े थे बंद कर दिया। पनीर बैल दे दाल चावल खाने के। मम्मी गाली दो जोर से। मम्मी जोर से आओ। मम्मी गाली दो जोर से। अब नहीं देंगी, अपनी मर्जी से दे देती है। पक्का पनीर ही खाना है? कुकर से मैं जाके मारूंगी। अच्छा ठीक है, भैया चल पनीर लेके आ रहे हैं। पनीर लेकर के आ गया हूँ और कोमल ने बोला कि उसे मोमोज खाने हैं, तो मोमोज लेने गया था लेकिन मोमोज मिले नहीं, तो उसने डिमांड करी फिर टिक्की की। अब उसके लिए टिक्की लेकर के आए हैं, ठीक है, और अब टिक्की खाएगी वो, दिखाता हूँ तुम्हें टिक्की खाते हुए उसे। और इसके साथ ही एंड करूँगा फिर मैं ब्लॉग का। तो कोमल बहन की हम सोच रहे हैं टिक्की की दुकान खुलवा दें। ये देखो इतनी सारी भर ली है एक ही प्लेट में। ये क्या बात है, पूरा एक्सपीरियंस वाली डाल दिए चटनी भी। स्माइल कर, स्माइल। ये देख बेवकूफी देख। ऐसी पिज्जा तो दही है। ये दही नहीं होती तो पता नहीं इसमें जितनी महक आती है, दही तो नहीं आती। अब खा लेगी सारी? नहीं, विशाल की छुट्टी है, मैं डाइटिंग पर हूँ। मम्मी वैसे नहीं खाती। मम्मी आ जाओ। मम्मी ने भी नहीं खाई तो तू अकेली खा लेगी? ये तो नहीं है, ये तो टूट भी पड़ी है, वह झूठ बोल रही है। तो भाई वो टिक्की खा रही है अपना और घर में बना है पनीर डिनर के अंदर। आज अपना वर्कआउट भी मिस हो गया कसम से, क्या बोलूँ। मतलब भाग दौड़ इतनी चल रही है ना अभी लाइफ, इतना मतलब इतनी उथल पुथल मची हुई है अभी कि वर्कआउट का शाम को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर मामा जी के यहाँ निकल जाता तो शायद उनके साथ में कर लेता आज वर्कआउट, लेकिन यहाँ पर था जाऊँ ना जाऊँ इसी कन्फ्यूज़न में रह गए, तो उससे कम वर्कआउट भी मिस हो गया अपना। और फिर शाम को जब उठे भी तो मार्केट के भाग दौड़ के चक्कर में, एक तो मार्केट में भाई नवरात्रों की वजह से इतना ट्रैफिक है, सच में इतना ट्रैफिक है, बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है जल्दी से गाड़ी लेकर के। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस व्लॉग को देखने के लिए, और इसी के साथ ही मैं एंड करता हूँ व्लॉग का, ठीक है। चैनल को इसी तरह प्यार करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।